सर भाजपा जिस तरह से राम मंदिर का जो मुद्दा है वो पॉलिटिसाइज कर रहा है। बिटवीन द एरोगेंस एंड पीपुल्स पावर, सो एरोगेंस एक तरफ दिख रहा है लोगों को विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट बाय द वे अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ आई एम नॉट टॉकिंग टू यू एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, बट एट द मोमेंट आई हैव कम अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर यशवंत सिन्हा हु इज द राष्ट्रमंच हु जस्ट क्रिएटेड राष्ट्रमंच। राष्ट्रमंच इज नॉट ए पोलिटिकल पार्टी बट इट्स ए मूवमेंट। सो मेनी पीपल हैव कम ओवर हियर, दे हैव नॉट कम हियर फॉर वन पर्सन। आर इशू, आर मोटिव एंड ऑफकोर्स आर एम और मुद्दा इज नॉट मिस्टर मोदी। आर मुद्दा, हमारे मुद्दा मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे मोदी नहीं हैं। द इश्यूज जितने चल रहे हैं यहाँ पे, या डिमोनेटाइजेशन का कहें, या हमारे जितने इंस्टीट्यूशनल बॉडी का ये लहर नहीं है जो कहर दिखाई पड़ रहा है, उस कहर के जो शिकार हुए हैं, चाहे हमारे हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, चाहे रफेल का मामला हो, चाहे कॉम्प्लिकेटेड GST का मामला हो, या फिर डिमोनेटाइजेशन जिसने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हमारे आम आदमी, गरीब आदमियों के, मजदूरों के, किसानों की, ये सारी बातों का निर्णय जैसे अभी कुछ दिनों पहले हुआ है 3 स्टेट में, या यूँ कहें 5 स्टेट में, बहुत जल्दी इसका फैसला जो है हमारे ममता जी और ममता जी जिन लोगों कद्दावर नेताओं को बुलाया है, यशवंत सिन्हा जी जैसे स्टेट्समैन, अरुण शौरी जैसा परम विद्वान, शरद पवार जैसा मोस्ट चाणक्य, जितने लोग हैं तेजस्वी जैसा डैशिंग, हमारे अखिलेश यादव जैसा डायनेमिक, ऐसे तमाम लोग मिलकर इस बात का फैसला फिर से कर। सर भाजपा जिस तरह से राम मंदिर का जो मुद्दा है वो पॉलिटिसाइज कर रहा है।